हाल चल भाई लोग, आई होप यार आप लोग अच्छे होंगे। सो मैं हूं आपका दोस्त हूं जेडी। सो वेलकम टू माय YouTube चैनल। आई होप यार आप लोग बढ़िया होंगे। सो मैं आज आपको लेकर नई वीडियो लाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की, तो प्लीज यार एंड तक देखिएगा। सो आज इस वीडियो में सबसे पहले बात करने जा रहा हूं YouTube फैनफेस्ट के बारे में। जी हां, जैसे आप लोगों को पता है YouTube का फैनफेस्ट चल रहा है, अभी हाल ही में मुंबई में हुआ है और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स मुंबई में आके उस पार्टिसिपेट कराया है। बहुत बड़ी यूवी के वाइन अमित बढ़ाना, ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स वहाँ आपको देखने को मिलेंगे और सब ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही तोड़ परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही बढ़िया। मैंने देखा एक या तीन घंटे का यूट्यूब कुछ फेमस था, बट लिटरली बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, बहुत सब ने अपनी 100% दिया सारा कुछ एवरीथिंग। तो उसी यूट्यूब पर फैन फेस्ट से कुछ रिएक्ट करते हुए बीवी के वाइंस ने क्या डाला अपने इंस्टाग्राम पे, चलिए आपको दिखाता हूँ क्या रिएक्शन था बीवी के वाइंस का यूट्यूब फैन फेस्ट पे। Last night FanFest was one of the best things that happened to me in the last 2 years. Itna maza aaya. Thank you so much jo log Geo Gardens aaye the kal. Thank you so much aapne itna dhoop mein wait kiya. Thank you so much aapne apne favorite creators ka itna intezar kiya. Thank you so much aapne unke liye itna loud cheer kiya. Jo log wo ye live stream YouTube pe dekh rahe the unko lag raha tha ki crowd dull hai, ye hai wo hai, lekin nahi, hum log stage pe the, hame pata hai kitna shor tha. अक्सर ऐसा होता है लाइव स्ट्रीम में वॉल्यूम कम की जाती है ऑडियंस की ताकि क्रिएटर का सुनाई दे जाए माइक, बट जो वहाँ था जितने भी 10-12 हज़ार लोग वहाँ थे ऑडियंस में, उनको पता है कल उन्होंने क्या देखा है, हो जाएंगे सारे। ऑल्सो अ सरप्राइज़ बाय वरुण धवन वॉज लाइक अ चेरी ऑन द केक, सो थैंक्स टू हिम टू, ही इज़ अ डार्लिंग एंड आई लव हिम टू द कोर, both of them. I'll be forever grateful to Karan Johar sir because he agreed to do this for me and bas ek rehearsal kiya humne saath mein and he was like I'm very excited, kaisa hoga wahan, kaisa mahol hoga, and I'm like aap chill maro, ye apni YouTube ki janta hai pagal. Thank you so much for making this possible, thank you so much for making a young lad's dream come true. I'm so thankful to everyone right now, to all the audience who were there, to YouTube, especially YouTube, to the YouTube FanFest team, to the director, to the sound engineers, and of course the people who came to meet us. Wonderful. Thank you so much everyone. Thank you so much. Ab apan hai vacation pe. जैसे कि आपने देखा बीवी के फैंस का रिएक्ट बहुत अच्छा था क्योंकि उनको इतने बड़ा बड़ा चीज़ें करने को मिली, उसमें टीटू टॉक्स जो इतना फेमस हो चुका ऑलरेडी, उसमें करण जौहर के साथ में देखे, वरुण धवन उसका पार्ट थे, तो उनको थैंक्स बोलते हुए बीवी के वाइंस में बात करी। और इसी के साथ साथ में अमित बनाना ने भी रिएक्शन करा है इस पे कि वो क्या कहना चाहते, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। मुंबई से अब विदाई लेने का टाइम आ गया, दिल्ली पहुँचने का टाइम है। थैंक यू सो मच मुंबई वालों, इतना सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए। आप लोग मुझसे मिलना है, मुझसे क्या सारे क्रिएटर से मिलना है, आपने अपना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। हम लोग काम ही इसलिए करते हैं ताकि आपको खुश रख सकें, और आप आए मिले बहुत अच्छा लगा। मेरा तो पहला फैनफेस्ट था तो मेरे लिए तो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। काफ़ी लोगों के ये मैसेजेस आ रहे हैं, भाई ऑडियंस ने सपोर्ट नहीं किया, ऑडियंस काफ़ी डल थी, ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका क्या होता है कि स्टेज पर जब कोई क्रिएटर परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो यूट्यूब वाले ऑडियंस की आवाज़ को कट कर देते हैं, जिससे कि क्रिएटर्स की सीधी आवाज़ लाइव स्ट्रीम के थ्रू आप लोगों तक पहुँच सके जो लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो माहौल होता है ना, वो हमें पता होता है। जैसे कि मैं स्टेज पर चढ़ा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, गला बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पर गया मैं काफ़ी एक्साइटेड था। लोग आसपास वाले, अमित ये डायलॉग सुना, अमित ये वाली राइमिंग सुना, अमित ये सुना, अमित सुन, अमित हमारी, अमित हेलो, अमित हेलो, ऐसे लगता है भाई ये क्या कतई हैवी मामला बना रखा है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ नहीं था, ऑडियंस बहुत सपोर्टिव थी, चिल्लाई जा रही थी, जितने भी लोग मुझे मिले, पोस्टर देखे गए, फ्रेम्स देखे गए, गिफ्ट देखे गए, थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोग आए मिले, जिससे मैं नहीं मिल पाया उनसे दिल से सॉरी है, आज ना तो कल कभी और मिल लेंगे, कोई बात नहीं। अब थैंक यू सो मच फैनफेस्ट टीम को भी, यूट्यूब वालों को भी, इतना अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए, सब कुछ इतना अच्छा करने के लिए। वही काम करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, और बस बोला था ना फैनफेस्ट भी आऊँगा, गले फैंस को लगाऊँगा, तो थैंक यू सो मच आप सभी को आने के लिए, और मिलते हैं जल्दी। तो और अब अपना टाइम है दिल्ली,
अब दिल्ली का फैन फेस्ट है, वहाँ और भयंकर मामला कर देंगे, दिल से करेंगे जिस चीज के लिए जाने जाते हैं ना, दिल से करने के लिए, मन से हर काम करने के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, अमित बढ़ाना भी काफी खुश है, सपोर्ट है, और इसलिए क्योंकि जैसे कि अभी हाल ही में दिल्ली में भी होने वाला है जल्दी, तो अमित बढ़ाना उसे दिल्ली के लिए भी निकल चुके हैं, तो दिल्ली में बहुत जल्द होना है, 14 से 15 शायद अप्रैल में दिल्ली में भी होने वाला है, तो देखते हैं। और अगर कोई मुंबई का बंदा देख रहा है ये वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको अगर लाइव स्ट्रीम देखिए तो आपको कैसा लगा, कैसा फील लगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब फैनफेस्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और मे भी शायद ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। सो बहुत बढ़िया था, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए, एंग्री प्रेस भी है, बट उन्होंने अपना फेस रिवील नहीं करा अभी तक, तो देखने वाली बात रहेगी वो फिर अपना फेस रिवील कब करते हैं, आई डोंट नो, बट ऑल ओवर यूट्यूब फैनफेस्ट इज क्रेजी आउटस्टैंडिंग, तो देखते हैं दिल्ली में भी होने वाला है 14 या 15 तक, 14 अप्रैल में दिल्ली में भी होगा। दिल्ली में बहुत सारे यूट्यूबर आने वाले हैं, आपको पहले ही उसकी अपडेट दे चुका हूँ, बाकी आप मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप राइट, जहाँ रहे खुश हैं, बाय बाय, शुक्रिया।